यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा। फैसले में फर्क होता है जी। आज फैसला निकलने तो भाई आजम खान और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश, बड़े षड्यंत्र और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन सब ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। दरअसल रामपुर MPMLA कोर्ट ने तीनों को दो जन प्रमाण पत्र मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई और साथ में तीनों पर जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना 2019 में दो जन प्रमाण पत्र मामले में आजम खान पर केस दर्ज करवाया था, जिसे लेकर इस मामले में तीनों को सजा सुनाई गई है। मामले में अभियोजन की ओर से 15 गवाह और 70 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए थे। मामले में तीनों को दोषी पाते हुए रामपुर MPMLA कोर्ट ने तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। इसमें 7 साल की सजा हुई है और इसमें जो मैक्सिमम सजा वो 7 साल की है और सजा तीनों लोगों को हुई है, अब्दुल्ला आजम खान को ही, आजम खान साहब को और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जी को भी हुआ है। ये उस मामले में सजा हुई इसमें कि दो जन्म तिथि का इस्तेमाल करके अब्दुल्ला आजम खान ने अपने करियर में ऊँचाइयों को प्राप्त किया और MLA बने, और एक जन्म तिथि जो थी जिससे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली इन्होंने पहले जहाँ पे इनको जिस जन्म तिथि से लाभ मिला उसको लिया, बाद में इनको लगा कि MLA बनना है तो इन्होंने अपना जन्म तिथि 90 कर दिया, जिस और जब 90 किया उसके बाद से इन्होंने MLA का चुनाव लिया।